हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जो समर वैकेशन है उनको आपको अच्छी तरह से यूटिलाइज कैसे करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, समर वैकेशन को ऐसी मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। ये जो समर वैकेशन है आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो आज की वीडियो में वही बताऊंगा कि आप इस समर वैकेशन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन पर आती है आपकी रीड बुक्स। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस समय पर आपको बुक्स रीड करनी है। बुक्स रीड करनी कौन सी है वो भी सुन लीजिए आप। आपको स्कूल की जो आपकी क्लास 10th की 11th की जिस भी आप क्लास में, उसकी बुक्स रीड नहीं करनी है। जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाए उन बुक्स को आपको रीड करना है, क्योंकि दोस्तों हमें स्कूल में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती, सिर्फ जो आपको एग्जाम में आना होता है उसे ही पढ़ाया जाता है। तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज वाली बुक्स को रीड करना है। कौन कौन सी बुक्स है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन पर जो बुक है आपकी रिच डैड एंड पुअर डैड, ये बुक्स बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह से एक बिजनेसमैन का माइंडसेट होता है। और जो दूसरी बुक है आपकी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि किस तरह से अपने दोस्तों के साथ जीता जाए या फिर जो आपके आसपास में लोग हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करा जाए। एंड जो थर्ड बुक आती है आपकी, इस बुक का नाम ही है फाइनेंशियल फ्रीडम, इस बुक को भी आप रीड कर सकते हो। और एक और लास्ट बुक है आपकी थिंक एंड ग्रेट रिच, ये बुक है आपकी। ये जो चार बुक मैंने आपको सजेस्ट करी है इन बुक को आप पढ़ सकते हो। ये चारों बुक आपको नहीं पढ़नी है, वैसे भी आप चारों बुक नहीं पढ़ पाओगे, अगर कोई पढ़ सकता है तो भाई पढ़ लेना, लेकिन इन चारों बुक में से आपको कोई एक सिंगल बुक सेलेक्ट करनी है और उसको कम्प्लीट रीड करके अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। जी हाँ दोस्तों, इन बुक को आप जब रीड करोगे ना तो आपका माइंडसेट अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि बाहर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जिनसे हम मिलते हैं ना बस उन्हीं के लोगों के बीच में हम लिमिटेड रह जाते हैं, हमें बाहर का कुछ पता ही रहता कि बाहर वर्ल्ड में और क्या क्या है। तो आपको इन बुक्स को जरूर पढ़ लेना है। अब जो सेकंड चीज आती है आपकी, खाली टाइम में आपको क्या करना है कि भाई कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेनी है। हालांकि आप कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं कम से कम वो तो सीख ही लेना दोस्तों। फ्यूचर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस लैंग्वेज को जरूर सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पाइथन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। इससे आप अपनी कोई भी कोडिंग में मास्टरी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी इसके थ्रू ऐप बना सकते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने को, तो आप पहले सबसे पहले पाइथन को प्रीफर कर सकते हैं। क्लास 11th में तो अब पाइथन स्टार्ट भी हो चुकी है, क्योंकि 11th के बच्चे को पाइथन स्कूलों में सिखाई जाती है। अगर आप क्लास 11th में अभी आए हैं तो भाई आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, जिसमें पाइथन के बेसिक सिखाए जाएंगे, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस खाली समय में आप कर सकते हैं, वो है भाई आपकी वीडियो एडिटिंग। हालांकि मैं जो पिक्चर आई थी आपकी KGF 2, उसमें देखा हुआ कि आपने एक 18 साल के लड़के ने उस पूरी वीडियो पूरी पिक्चर को एडिट किया है, तो क्या पता भाई आपको भी फ्यूचर में ऐसा कोई चांस मिल जाए। तो आपको वीडियो एडिटिंग आनी ही चाहिए, क्या पता आप फ्यूचर में कोई अपना वीडियो एडिटिंग का कोई जॉब कर लें, या फिर कोई वीडियो एडिटिंग आपके भाई बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि क्या पता आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें। हर चीज में आपकी वीडियो एडिटिंग जो भी डेवलपमेंट कंटेंट है वो आपके लिए काम आने वाला है। तो इस खाली समय में आपको वेस्ट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फालतू में इस खाली समय में मौज मस्ती में निकाल देते हैं, या ना नहीं तो फिर मूवी देखने में, या फिर सोशल मीडिया पर फालतू में कॉमेडी वीडियो देखने में, या वेब सीरीज वगैरह देखने में, इन सब में निकाल देते हैं। तो भाई आपको इस तरह से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप अगर ये सब नहीं करना चाहते तो सिंपली आप अपने सिलेबस को बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको हॉलीडे होमवर्क तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आप क्या करें अपना जो सिलेबस है उसको एक एक चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक स्कूल से एडवांस आगे रहोगे। जब भी आपको स्कूल में वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपका चैप्टर वो अच्छे से तैयार भी हो जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं करना है तो भाई कोई भी आप एक महीने का कंप्यूटर कोर्स होता है वो कर लेना, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स की फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। अगर आपको अपना घर पे भी कंप्यूटर है ना, तो भाई फालतू में उसे गेम खेलने में या मूवी देखने में वेस्ट मत करना। कुछ नोटपैड वगैरह हो गया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हो, MS वर्ड सीख सकते हो, ये सब सीखने में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सीखने में अपना टाइम स्पेंड करना।
तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो आप अपना टाइम अच्छे से यूज करेंगे। तो ऐसे ही फ्यूचर में और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।